वाह, इसे कहते हैं सीन। वाह जिमी वाह। दरवाजा खुलता है, सामने हीरोइन दुल्हन के रूप में खड़ी है। उस बिचारी की आंखों में समंदर उतरा हुआ है। ये मंजर देख के दुल्हन की माँ दूर जाती है। वो माँ जो 2 घंटे पहले अपनी बेटी को रुखसत करके सोई भी ना थी, उसे वहां दरवाजे पे खड़ा देख के बैठ जाती है और ऐसी बैठती है कि उठ ही नहीं पाती। और फिर शेरी कहां मर गए सारे तमीज लोग? जिम्मी शेरी खोलो इसको। जिम्मी शेरी ना जाने किन लड़कियों को शेरी ने रूम किराए पे दिया हुआ है, जीना हराम कर दिया। अरे कहां मर गए दोनों? सारा टेम्पो खराब करके रख दिया, ऊपर से ये दूसरा ये। ओ हीरो बोलो। अबे ऐसे कौन उठाता है बे? यहाँ कभी किचन तो कभी कहाँ, किसी एक जगह सो जाकर भाई मेरे कमरे में आके क्यों सोता है? अबे एक तो अच्छा खासा मुझे अपनी जिंदगी का पहला केस मिलने जा रहा था, ऊपर से तूने जगा दिया मुझे। सारे बस केस मिलने ही वाला था, एडवांस आने ही वाला था। तो शुक्र करना मैंने उठा दिया, क्योंकि तुझे ख्वाब में भी नहीं मिल रहा था। ठीक उसी तरह जिस तरह तुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था, है ना? अरे तू ज्यादा ही बोलने नहीं लगा है। चलो उठो उठो और जाओ यहाँ से। अरे काम मर गए दोनों, एक तो ये दोनों हट आराम, मजा लो जो काम के सिलसिले में किसी घर से बाहर निकले। वो तो अच्छा हो मैंने ऊपर का घर किराए से 2 लड़कियों को दे दिया, वरना ये दोनों तो भूखे मर जाते। वैसे जेबी तूने भी बड़ी जिम्मेदारियां ले रखी है इस नन्ही सी जान पर। अब मैडम को देखो एनजीओ बना के घर बैठ गई और सारी जिम्मेदारी इस गरीब पे डाल दी। अब मैं क्या क्या करूं, केसेस लाऊं, शोर करूं, मैडम के हाथ में माल रखूं, क्या क्या करूं समझ नहीं आता। हाय जेबी कितने सवाब कमाएगी तू? वैसे कभी गुरूर नहीं किया। शीना जल्दी उठ जाओ यार, देर हो रही है। शीना जल्दी उठो यार, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। यार ये रात इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? देखो हमें वैसे ही देर हो चुकी है, जल्दी से तैयार हो। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं, मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरी याद में बैठा आंसू बहा रहा है और चीख चीख के मेरा नाम ले रहा है, कह रहा है शीना मत जाओ मुझे छोड़ के वापस आ जाओ। और तुम उसे छोड़ के यहाँ चली आई? हाँ हाँ, तुम जालिमों की वजह से। ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी जाके तैयार हो, देर हो रही है। बेचारा रोता रहेगा अगले ख्वाब तक बैठा हुआ। तुम भी रोते रहो।